हेलो ऑल ऑफ यू गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। नेवी एमआर 2020 थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आपके जो मैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, तो जो भी कैंडिडेट्स नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, आपके जो पेपर की बात करें तो आपका पेपर दोस्तों आपका जो है वो ईजी आ रहा है, बिल्कुल आपका नॉर्मल पेपर आ रहा है। जैसा नेवी एमआर का पेपर आता है वैसा का वैसा पेपर आ रहा है, कोई हार्ड नहीं आ रहा है। और कैंडिडेट्स के द्वारा भी जो दोस्तों यही बताया जा रहा है कि पेपर इजी है। तो देखिए, चलिए हम देख लेते हैं कि आपके क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कार्बन का प्रूफ नहीं है, ये पूछा गया था दोस्तों ही। अब ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा था ये आप पे डिपेंड करता है, आप बता दीजिए। कोयला, हीरा, ग्रेफाइट और काजल, ये तो क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीवी सिंधु किससे रिलेटेड हैं, तो ये थे बैडमिंटन खेल से, और इनके बारे में तो ऐसा कोई नहीं होगा जो जानता नहीं है। रेडियो का आविष्कार जो कब हुआ था ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर हो सकता है दोस्तों आपको वैज्ञानिक का नाम भी पूछ लिया जाए, तो मार्कोनी ने किया था 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएसएलवी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अगर आपने नेवी एसएसआर एंड डब्ल्यू का अगर रिव्यू देखा है तो उसके अंदर पीएसएलवी की फुल फॉर्म थी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एसडब्ल्यूआर की फुल फॉर्म हो जाएगी सिंसली एडजस्टेड एनुअल रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक शुगर का इंडस्ट्री है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और आपका पुणे के अंदर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कांग्रेस कब मिले थे, तो महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस में मिले थे 28 दिसंबर 1885। अब हो सकता है कि आपके 1885 ही दिया हुआ हो, ये जो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आनंद मैथ ऑफ राइटर, तो इसके लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट बुक है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पूछी गई थी, अगर आपने नेवी एसएसआर एंड डब्ल्यू का पेपर देखा है तो उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये हो जाएगी डॉलर। तेलंगाना की राजधानी, ये दोस्तों अभी तक हैदराबाद है, ये कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको पूछा जा रहा है तेलंगाना की राजधानी। आयतन की एसआई यूनिट क्या होगी, तो ये हो जाएगी मीटर क्यूब, यानी आपकी घन क्यूब होती है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों पीएच ऑफ ब्लड और आपकी जो रक्त है उसकी पीएच मान, तो ये आप पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कितना दिया था, 7.35 से 7.45 के मिड के अंदर आपकी पीएच होती है। प्रथम चीफ मार्शल, तो ये कौन हो जाएंगे, साम मैन के सौ। अगले क्वेश्चन देखिए, घन का आयतन पूछा गया था, तो ये हो जाएगी भुजा क्यूब। कर्क रेखा के नजदीक शहर, तो ये है अगरतला त्रिपुरा। तो ये इतने क्वेश्चन थे दोस्तों आपके जो कि थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। तो आपने अगर पेपर दिया है तो दोस्तों आप भी जो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और आप जो अनोदर कोई भी जो आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उसके द्वारा सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। अन्य कोई क्वेरी हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए।